हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड का जी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट। एक ट्राइंगल को चेक करना है क्या वो वैलिड है या नहीं। व्हेन द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एंटर्ड टू द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के थ्रू किसी भी ट्राइंगल के तीनों एजेस यानी कोण हम बाहर से डलवाते हैं, कीबोर्ड से एंटर करवाते हैं, ए ट्राइंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो एक हिंट दिया गया है कि ट्रायंगल कब वैलिड होता है, जब इसके तीनों कोण को मिला के 180 डिग्री हो जाए। तो एक बार समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, कोई भी ट्रायंगल है उसके तीन कोण होते हैं, आपको पता है, और तीनों कोण अगर मान लीजिए 60 60 60 आपने एंटर कर दिए तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा। अगर ज्यादा कर दिए तो कभी तीसरे छोर पे वो मिल ही नहीं पाएगा, यानी आपका वो रेक्टेंगल बन सकता है, ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स यानी 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये इक्वल है तो ये आपका ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं है। आइए कोडिंग समझते हैं इसकी। हमेशा की तरह दोनों हेडर फाइल आप ले लीजिए, पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड kono.h, wideman और curly braces आपने स्टार्ट कर दिया। अब एक ट्रायंगल के तीन एजेस यानी कि तीन कोण डलवाने हैं तो तीन वेरिएबल हो गए, और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम तीनों को ऐड कर सकें, तो यानी चार वेरिएबल चाहिए और वो हम इंटीजर टाइप के ले लेते हैं। हमने ले लिया ए बी सी तीनों एंगल्स के लिए और डी ले लिया उनके सम के लिए। इसके बाद क्लियर स्क्रीन ताकि आउटपुट विंडो ब्लैंक हो जाए और फिर हमारा रिजल्ट उसके सामने शो हो। इसके बाद प्रिंट एफ से मैसेज दे दिया एंटर द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स आप डालिए, और स्कैन एफ से परसेंट डी के थ्रू हमने ए बी सी को स्कैन करवा लिया ताकि तीनों का डाटा आपके पास इनके अंदर आ जाए। अब एक फॉर्मूला लगा दिया डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का एडिशन हो और डी के अंदर वो वैल्यू चली जाए, क्योंकि डी को हम टेस्ट करेंगे। फिर चेक किया डी को, इफ डी इक्वल है 180 डिग्री के, तो 180 के एग्जैक्ट होना चाहिए, ना कम या ज़्यादा, तो क्या हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए ट्राइंगल इज वैलिड, यानी ट्राइंगल आपका सही है, अदरवाइज एल्स दे देंगे कि अगर इफ कंडीशन नहीं मिलती तो एल्स इफ में डाल दिया, डी नॉट इक्वल है 180 के, तो प्रिंट हो जाए ट्राइंगल इज इनवैलिड। आप सिर्फ एल्स पे भी डाल सकते हैं इसे, तो एक कंडीशन मैंने आपको और दिखा दी है जिसके थ्रू आप इसे वैलिड या इनवैलिड चेक कर पाएंगे। और फिर गेट सीएस से प्रोग्राम को बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। आप गेट सीएस के थ्रू इसकी कोडिंग kono.h में है, आपका रिजल्ट आउटपुट विंडो पर तब तक होल्ड करेगा जब तक आप चाहते हैं, और रन में जाकर आपने रन कर दिया। अब कह रहा है ये तीनों एजेस आप डलवाइए, तो हमने बाय डिफॉल्ट 60 60 यानी 60 तीनों बार डाल दिया, तो दिखा देगा ट्राइंगल वैलिड है। दोबारा से रन कर देंगे, इस बार हम कुछ और डाल देंगे 10 20 30, कुछ भी डाल दिया और दिखा देगा ट्रायंगल इज इनवैलिड, यानी कि ट्रायंगल ये सही नहीं है। तो ये सिंपल सी कोडिंग है जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी कुछ गुड्स कमेंट्स या क्वेरी हैं तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।